हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लेकर आ गए हैं हम फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को। तो आज के वीडियो में हम दो रिएक्शन को देखेंगे, जो है रायमन टीमन अभिक्रिया और एक है कैनिजारो अभिक्रिया। और कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी नेमिंग रिएक्शन है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक एक करके समझते हुए चलना है और इसे अपने कॉपी में पेन से अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है रीमर टीमर अभिक्रिया, जो है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे इम्पॉर्टेंट के आपको श्रेणी में रखना है, जो है रीमर टीमर अभिक्रिया, या तो राइमर टीमर अभिक्रिया कह दे या रीमर टीमर अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या हमने लिखा है, ये अभिक्रिया ही हमने लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, जो फिनॉल होता है उसमें हम क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और उसके बाद मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेल्सिक एल्डिहाइड बनता है। तो इसे ही हम रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया हमने क्या आपको बताया? हमने आपको सिंपल वे में यही बताया है कि जब फिनॉल को, ध्यान से आप समझेंगे ये सभी, आपको ये जो भी हमने लिखा हुआ है सब रिएक्शन समझेंगे ना तो उसमें याद आपको हो जाएगा। हमने कहा है कि जब फिनॉल को, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये फिनॉल का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन वाला है, इसके ऊपर आप ओ एच लिख दिए तो ये फिनॉल हो गया। ठीक है, तो जब फिनॉल को हम क्या कहते हैं, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया। फिनॉल में क्या मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलाकर और क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे जो है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेल्सिक एल्डिहाइड बनता है। अब सेल्सिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो सेल्सिक एल्डिहाइड का आपको सूत्र पता होगा, ये होता है आपका सेल्सिक एल्डिहाइड का सूत्र, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ओ एच, इसके यहां पर CHO, ये हो गया सेल्सिक एल्डिहाइड। और उसके बाद आपका बनता है जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ आपका जल भी बनता है, ये आपका रिएक्शन हो गया। देखिए हमने यही बताया था कि जब फिनॉल को, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सेल्सिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है या बनता है, और इसी अभिक्रिया को राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि ये कैसे रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसको भी हम समझाएंगे। ये क्या है, ये है बेंजीन, सॉरी ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है, नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नाम आपको भी लिखते हुए चलना है। ये क्या है, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पता ही है, ये है सेल्सिक एल्डिहाइड, सेल्सिल एल्डिहाइड। तो अब आप समझ गए हैं कि यह है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया, ये रिएक्शन आपको लिखना अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं लिखते हैं, ये लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, फुल नंबर हो सकता है आपको मिले ही ना, बट आपको ये अगर लिख देते हैं, ये ना भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं? और दोनों लिखते हैं तो आपको चांसेस पूरा 100% है कि आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा दोनों आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहली बात ऊपर आपको लिखकर उसके बाद ये रिएक्शन लिखना है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये फिनॉल है ना, तो फिनॉल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा सा संतुलित नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम संतुलित कर देते हैं। देखिए इधर हम तीन से करा देते हैं, तीन तीन इधर भी हम तीन से करा देते हैं। अब देखिए ये संतुलित दिखाई देगा, देखिए ये फिनॉल बेंजीन है तो एक इधर भी बेंजीन है,
OH है तो OH यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद CHO, यहाँ पे देखिए CH हो गया, यहाँ पे AO है, तो यहाँ पे तीन O है ना, तीन O, ये तीन से गुड़ा हो गया तो तीन O है। तो देखिए यहाँ से CH निकला और यहाँ से एक O निकल गया, अभी दो O यहाँ पे बचा हुआ है, दो ऑक्सीजन, तो CHO यहाँ पे बन गया है। उसके बाद यहाँ पे तीन क्लोरीन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पे तीन क्लोरीन है और तीन यहाँ पे सोडियम है, तो ये देखिए NaCl, तो NaCl बन गए हैं। तीन क्लोरीन है तो यहाँ पर भी देखिए तीन क्लोरीन, तीन सोडियम है तो तीन सोडियम है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन, यहाँ से जो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर निकल के H2O बना दिए हैं, ठीक है, ये H2O बना दिए हैं। तो ये आपका हो गया समीकरण। लग रहा है मुझे यहाँ पर भी कसना पड़ेगा क्या, दो से यहाँ पर भी आप गुणा करा देंगे। अब ये लगता है मुझे कि ये रिएक्शन थोड़ा संतुलित आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ से CH निकला है, यहाँ से O निकला है और ये ही जाकर यहाँ पर आपका ऐड हो गया है केवल, ठीक है। उसके बाद ये Na और Cl ये दोनों आपस में मिलकर NaCl बना दिए हैं और यहाँ पे जो OH मिलकर ये H2O बना दिए हैं। तो सिंपल सा है, आप ऐसे रिएक्शन अगर आप लिख देते हैं फुल नंबर मिल जाएंगे और ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, ठीक है। ये समीकरण जो संतुलित करना है ना, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अदरवाइज यदि आप ऐसे भी लिखते हैं आपको फुल नंबर मिलेगा, निश्चिंत रहना आपको, ठीक है। अगला आता है केनिजारो अभिक्रिया। अब देखिए केनिजारो अभिक्रिया में क्या आपको बताया गया, ये कहा जा रहा है कि जब फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनते हैं और इसे ही हम केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या आपको बताया, हमने यहाँ पे नाम, आपको नाम ही तो याद रखना है ना। हमने क्या बताया आपको, जब फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या मिलता है, मेथिल एल्कोहल और क्या मिलता है, सोडियम फॉर्मेट बनते हैं और इसे ही हम केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे रिएक्शन लिखना होगा। सबसे पहले बात फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये फॉर्मलडिहाइड है, CHO जुड़ गया तो एल्डिहाइड और H जुड़ गया तो फॉर्मलडिहाइड हो गया, तो ये फॉर्मलडिहाइड है। फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो NaOH से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हम क्या कराएंगे, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी क्या कराते हैं, फॉर्मलडिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेथिल एल्कोहल मिलता है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल मिलता है और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, सोडियम फॉर्मेट मिलता है जिसका सूत्र होता है HCOONa, ठीक है। तो ये हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यही है आपका रिएक्शन, नाम में लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। ये है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है एथिल सॉरी मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, ठीक है जी। और ये क्या है, सोडियम, देखिए Na है तो सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब देखिए ये तो आपका हो गया आपका रिएक्शन, परंतु ये रिएक्शन अभी संतुलित नहीं है, ठीक है। क्यों संतुलित नहीं है आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए हम सबसे पहले संतुलित करने के लिए, देखिए क्यों संतुलित नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर एक कार्बन सॉरी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक इधर है, तीन हाइड्रोजन है। तो इधर देखिए तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक चार, यहाँ पर पाँच, पाँच इधर हाइड्रोजन है, इधर तीन ही है, तो इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर पाँच है इधर, तो हम क्या करेंगे, इधर दो से हम गुणा करा देंगे। तो जब हम इधर दो से गुणा कराते हैं तो अब आपका समीकरण संतुलित हो जाना चाहिए। देखिए कैसे,
यहाँ पे अगर आप सोचे, सपोज थोड़ा सा आप सोचिएगा, ये एच सी एच ओ है, ठीक है, तो यहाँ पे अब दो का गुणा हो गया, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए, फिर से यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अब चार हो गए हैं, चार हाइड्रोजन, यहाँ पे दो कार्बन हो गया है, कार्बन कितना हो गया है, दो हो गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया है, दो हो गया है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए दो कार्बन है ना, तो इसमें से एक कार्बन निकल गया, और यहाँ से चार हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन निकल गए, तो ये CH3 निकल गया है ना, तो ये CH3 यहाँ से निकला है, ये CH3 यहाँ से निकला है, और यहाँ से OH निकला है, मतलब इसमें से ही हम बता रहे हैं इधर से, ठीक है। तो CH3 और OH मिलकर ये मेथिल एल्कोहल बना दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब तीन हाइड्रोजन निकल गया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, और यहाँ पे एक कार्बन निकला है, तो यहाँ पे एक कार्बन बचा, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे अभी भी है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे बचा हुआ है, तो यही आपका देखिए क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एच गया है, फिर से सी गया है, तो एच सी और दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे जो सोडियम बचा वो सोडियम हमने लिख दिया है, समझ पा रहे हैं। तो ये डीप में ये रिएक्शन है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये एच सी ओ ओ एन ए, तो वही हमने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन इतना इजी नहीं है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा डीप में भी जाना होगा, अदरवाइज कुछ ना आए तो कम से कम इतना तो आप लिख ही सकते हैं ये रिएक्शन जैसे हमने लिखा है, और नाम को थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जो है राइमर-टीमर अभिक्रिया और केनिज़ारो अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो रिएक्शन है जो आज के इस वीडियो में हमने बताया है ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज यदि कोई भी रिएक्शन है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं केनिज़ारो अभिक्रिया ही पढ़ना था या और भी आपको कोई पढ़ना है, तो आप मान लीजिए केनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ना है तो आप YouTube पे लिखिए केनिज़ारो अभिक्रिया ब्रदर सर, इस प्रकार कोई भी अभिक्रिया लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, टेलीग्राम का, इन सभी का लिंक हमने दे दिया है। यदि मान लेते हैं केमिस्ट्री पर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो भी हमने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है वो सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई की कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।